काउंसिल में हूँ और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा है। इट्स वेरी क्यूरियस कि कौन जीतेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने लोग पीछे और सबको बहुत क्यूरियोसिटी है। जैसे क्यूरियस गाइड है जो मुझे भी बता रहा है कि हमारे साथ ये आज कौनसिल में कौन सी चीज़ क्या है जी, प्लीज़ बताइएगा। ये न्यू बिल्डिंग्स बन रही हैं सारी और यहाँ पे और भी आर्ट काउंसिल की क्लासेस होंगी यहाँ पे अटेंड। और अब ये रास्ता पीछे का कचरा किसका है ये भी बता दो। यार वालों का ही कचरा है सारा जो कभी कभी लगता है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लासेस वगैरह होती हैं, उसके अलावा मैं ज़्यादा कुछ बताऊँगी तो मेरे ऊपर क्लेम आ जाएगा। अच्छा, और ये पार्किंग कार की भी होती है सिर्फ बाइक की पार्किंग? यहाँ पे बाइक की पार्किंग भी है और यहाँ पे लेडीज और यहाँ पे जेंट्स है जिसके शुरू में ना पार्किंग तो सही है ना, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे पहुँच जाती हूँ कभी वो नज़र ही नहीं आता मुझे लेडीज़ का वहाँ पर। ऐसे नहीं कर रहे वहाँ पे सारे न्यूज़ चैनल्स वाले आए हुए हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे समोसा चाय पी रहे होंगे। अभी ये पता नहीं हमें कहाँ लेकर जा रही है, बस हम इसके पीछे पीछे फॉलो करते हुए जा रहे हैं पता नहीं। अच्छा, ये भी कुछ देखे हैं सफाई वगैरह और कौन आ रहा है? सर तो नहीं है लेकिन तन्हा अंजुलिया शो भी है वो। हाँ, यहाँ पे कॉन्सर्ट लगने वाला है 3 सितंबर को। 3 सितंबर को लगेगा तला अंजुम का कॉन्सर्ट, बिल्कुल इसी जगह और 8 बजे लगेगा। कोई इंटरेस्टेड है तो आ जाना, इनको तो ये भी नहीं पता तला अंजुम है कौन। यहाँ पे सफाई वगैरह भी चल रही है, साथ साथ दिखा रहे मैच भी चल रहा है और ये भी सब चल रहा है। ये हमारा अच्छा, ये आर्ट्स कॉन्सर्ट की एंट्री है जहाँ पे कोई भी आके गाना गा सकता है। कभी भी, सच में कभी भी, तो कभी भी, अभी भी, कभी भी, कभी अभी अभी तो नहीं क्योंकि माइक वगैरह नहीं है, वरना वो लोग यहाँ पे बस सिस्टम लगाते हैं। आज हमें ये है कैफेटेरिया है और यहाँ पे डिफरेंट तरह के केक्स भी हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कुकीज़, पेस्ट्रीज, और ये एक सेपरेट एरिया अगर आपको प्राइवेसी चाहिए प्राइवेसी चाहिए किसी और चीज़ के लिए भी। और ये क्या है यार इधर वॉशरूम, ये भी तो नहीं जेंट्स और लेडीज़ वॉशरूम लेडीज़ वॉशरूम वो कौन सा है जेंट्स? ओ यूज़ मी, देखें अच्छा तरीका है यूज़ मी। और ऑडिटोरियम है अच्छा, ये ऑडिटोरियम है जो कि अभी क्लोज हुआ हुआ है। हाँ, तो गाइस ये जो एरिया है यहाँ पे आप बैठ कर इंजॉय कर सकते हैं, इसका बैकग्राउंड भी इंजॉय कर सकते हैं, पीछे बुक्स इतनी ज़्यादा है आप पढ़ लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स है, 4-5 तो हैं, अगर आप 4-5 भी लोग बैठे तो 2-2 बुक्स आप पढ़ सकते हैं। किसी काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है, शो के लिए थोड़ा सा ऐसे बैकग्राउंड के लिए। और यहाँ पे ये AC लगा हुआ है जो कि अभी तो वर्क नहीं कर रहा, कर रहे, और ये भी कुछ है, ये सिक्योरिटी चेक जो हम करवा के आ चुके हैं अंदर करा दी थी। और ये बहुत प्राइवेट जगह है जहाँ पे बड़े बड़े लोग करते हैं। कहाँ पर? उधर वो वाली जगह। यस, चले अब हमने ये जगह तो देख ली पूरी, आपको भी अंदर से दिखा दिया जितना अंदर जा सके आपको दिखा दिया, लेकिन अब और हमें एंट्री के लिए अलाउड ही नहीं है। और चले अब ये बताएंगे ये बिल्डिंग किस लिए बनी हुई है, बाहर से तो बहुत लोग देखते आते जाते लेकिन इसमें है क्या ये भी तो बताएं। इसमें तो हमें भी अलाउ नहीं है ज़्यादा देखना क्योंकि ऊपर देखना हम तो देख रहे हैं और क्या है हमें स्टाफ वगैरह भी तो पूरी मैनेजमेंट होती है और उनका एरिया क्लासेस भी होती है यहाँ पर। ये क्या बना हुआ बता सकती हैं आर्टिस्ट प्लीज, ये बताइए क्या बना हुआ है ये यहाँ पे ब्रिक्स के अंदर? ACPKHI लिखा हुआ है और उसका लोगो बना हुआ है आर्ट काउंसिल का, अगर गौर से देखा जाए तो। देखिए क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिविटी चेक करें आर्ट्स काउंसिल वालों की कि उन्होंने ब्रिक्स के यूज़ से क्या क्या बना दिया। तो ये ज़्यादा क्रिएटिव लोगों को चांस दे रहा होता है आने का और हमारे साथ यू नो बॉन्ड करने का, जैसे अभी ये हमारे साथ भी बॉन्ड, बहुत अच्छी आर्टिस्ट घूम रही हैं, इनको हमने घूमते घूमते पकड़ा भी है, हमने कहा आए आप हमारे साथ थोड़ा हमें गाइड करें, तो इसलिए हमें गाइड करे जा रही है। और बताएं यहाँ पर ये बहुत अच्छा लगता है साफ सुथरा।
जैसे कॉरिडोर होता है वैसे ही है जहाँ पे हम सब बैठते हैं, सॉन्ग लगाते हैं, गपशप लगाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मेंटल सपोर्ट मिलती है उसकी कहीं नहीं मिलती है। इसके अलावा कोई चीज नहीं। और तो ये एग्जिट होता है, लेकिन आज ये यहाँ से एंट्री हो गई क्योंकि हम एग्जिट ही नहीं, नहीं जब हम वहाँ से आते थे हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, पर नहीं वहाँ से अलाउ नहीं करते, अलाउ ही नहीं है, बंद कर दिया। मैं बहुत साल पहले आई थी, वहाँ से ही आई थी। आपका ब्लॉग है, आपको ही नहीं दिखाती। आज तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच चल रहा है, इतने ज़्यादा न्यूज़ वगैरह आए हुए, और अभी हम इंटरव्यू देने अंदर जा भी रहे हैं, अभी थोड़ी देर में जाएंगे। उन्होंने हमारी बहुत सी फ़ोटोज़ भी ले ली है, तो कहीं ना कहीं न्यूज़ में दिख ही जाएंगे आपको। मेरा यूट्यूब बना दिया आपने तो मेरा थोड़ी है। यहाँ पे एडमिशन करवा, हाँ रिसर्च वगैरह जैसे काउंटर्स होते हैं ना, वो ये यहाँ है जहाँ पे आप बहुत चीज़ें पूछ सकते हैं। बाकी एक फंक्शन है, फेस्टिवल लगा हुआ है पाकिस्तान में 7th और 8th क्या लगा हुआ है। ये पर्सन हमारे साथ घूम रहे हैं इस पूरे ब्लॉग में और ये हमें गाइड कर रहे हैं। तो ये वो एरिया जो इनका फेवरेट है, ये मुझे यहाँ पर लेकर आई हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी हवा भी चल रही है, यहाँ पर खाना मिलता है, सुकून है, बहुत ज़्यादा सुकून है। तो हम किसी एक टेबल पे थोड़ा बैठे, बोल दे टेबल पे बैठे, हाँ ऊपर चलो, ऊपर चलो। अच्छा अब हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से नज़ारा देखो, बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा अच्छा। ऐसे दिखा दो, थैंक यू। वाओ, तो यहाँ पर किसी को छोटा मोटा इवेंट करवाना हो तो भी करवा सकते हैं, नहीं करा कुछ भी नहीं करा सकते। होपफुली आपको भी ये एरिया अच्छा लग रहा होगा जैसे मुझे अच्छा लग रहा है, इनको अच्छा लग रहा है। अरे मेरा फ्लावर गिर गया, किधर गया। गाइस ये एरिया इतना अच्छा है, एक तो फोटोशूट के लिए अच्छा है, हम कब से फ़ोटो ले लेके अब थक गए, तो हमने सोचा आपको भी दिखा दें ये एरिया। वैसे इसकी सीलिंग्स भी दिखाओ, सीलिंग्स भी इतनी प्यारी है। और यहाँ से ये एरिया भी दिखाओ जहाँ पे कभी कभी आपके गिटारिस्ट रहते हैं। वैसे तो नकली लग रहे हैं लेकिन ऐसे असली है। बता दें चाट वाले संभाल लो बेटा, मेरी चाट है ऐसी गिरा चिरा दी ना, फिर देखना जूस गिर जाए, फट जाए, कुछ हो जाए, चाट को कुछ नहीं होना चाहिए। सो गाइज अभी आर्ट्स काउंसलर की हमने चाट ली है, अब देख के खा के हम आपको बताएंगे कि इसके क्या रिव्यूज हैं। नहीं नहीं, खा के बताएंगे कि क्या रिव्यू। देखने में तो बस सही है, मतलब ये पार्ट तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब ये पार्ट पे कुछ पता नहीं, ये अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है, तो अभी देखते हैं। खा कर हम आपको बताएंगे कि इसके क्या रिव्यूज थे। देखिए जो अभी हमने चाट खाई है ना, जब भी हमने चाट खाई है वो थोड़ी सी, मैं उसको अगर नंबर्स दूँ तो 6 out of 10 मिलेंगे, बिकॉज इतनी मज़े की नहीं थी, बस नॉर्मल सी थी, ऐसा लग रहा था स्केलेटन है, लेकिन अभी पूरी चाट तैयार नहीं है। तो ये थी आज की सूरत हाल, होपफुली आपने ये ब्लॉग इंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।